Student, in this video we are going to start new chapter of class A, force and pressure. What is force? Force hota kya hai? A push or pull is called force. Yadi kisi cheez ko hum khichte hain ya us pe dhakka lagate hain to usko hum kehte hain force. Whenever we are pulling, pushing, twisting, stretching, lifting, bending, we are exerting force. जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको खींचते हैं या उसको push करते हैं या उसको bend करते हैं या उसको stretch करते हैं, इन हर एक condition में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक force को apply कर रहे हैं. Force में give energy to an object. फोर्स की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिल जाती है एंड इट कॉज इट टू स्टार्ट मूविंग, स्टॉप मूविंग और चेंज इट पोजिशन. फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट या तो क्या हो जाएगा, अगर वो रुका हुआ है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो मूव करने लगेगा, मूव कर रहा है तो वो स्टॉप हो सकता है, उसकी पोजिशन चेंज हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी स्पीड भी हम चेंज कर सकते हैं. तो फोर्स क्या है, इट इज ए पुश एंड पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक क्या है, पुश और पुल है जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है. इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन एंड डिनोटेड बाय एफ. ये एफ से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, जिसको हम क्या करते हैं, जब भी हर एक चीज के हम यूनिट लिखते हैं लास्ट में, अगर फोर्स है 10 तो हमें लिखना पड़ेगा 10 न्यूटन, और न्यूटन पूरा ना लिख के हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एन, 10N. ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा, अभी बताया मैंने, फोर्स कैन चेंज स्टेशनरी या फोर्स कैन स्टॉप मोशन. फोर्स क्या कर सकता है, कोई चीज मूव कर रही हो तो उसको वो रोक सकता है. फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, और कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्थिर ऑब्जेक्ट है, उसको वो मूव करा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल रखी है, फुटबॉल, आप क्या कि उसको किक मारते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, वो मूव करने लगती है. ठीक है ना, इसी तरीके से फुटबॉल में गोलकीपर जो है मूव करती हुई आ रही है बॉल, उसको क्या कर रहा है, पकड़ लेता है, फोर्स अप्लाई करता है, वो बॉल रुक जाती है. इस तरीके से उसने मूव करती हुई बॉल को क्या किया, स्टॉप कर दिया. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है. फोर्स कैन भी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. एग्जाम्पल क्रिकेट में जो बैट्समैन है, जब बॉल को क्या करता है, हिट करता है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है, वो बॉल की स्पीड भी कई बार चेंज कर देता है. और फोर्स की वजह से वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हम रबर को स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका क्या होता है, साइज और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स. नेट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स. सपोज करो दो जने हैं, ए और बी, और वो किसी चीज़ को खींच रहे हैं अपनी ओर, तो हम क्या कहेंगे, उनका जो नेट फोर्स है, वो दोनों जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसका सम है. ठीक है, वो दोनों एक साथ पुश कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उसका सम क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा, जो भी वो फोर्स लगा रहे उसका सम होगा, उसका एडिशन होगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, टग ऑफ वॉर में, रस्सा कसी में, दोनों ही टीम अलग अलग फोर्स लगाती है, तो नेट फोर्स इसमें से क्या होगा कि दोनों फोर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो नेट फोर्स होगा. जो ज़्यादा फोर्स होगा उसमें से कम फोर्स को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स. अब टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स होते कितने टाइप के हैं, देर आर टू टाइप ऑफ फोर्स. दो टाइप के फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट मतलब किसी को टच करके जो फोर्स हो रहा है वो कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो बिना टच किए फोर्स है वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स.
अब कॉन्टैक्ट फोर्स आर टू टाइप्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स. व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? मस्कुलर फोर्स क्या है? फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स. हमारी मसल्स के एक्शन की वजह से जो फोर्स होता है वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स. किसी चीज़ को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो जिस चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं उसको टच करेंगे और हमारी मसल्स जो है वो एक फोर्स अप्लाई करेगी, इसलिए ये कहलाएगा मस्कुलर फोर्स. हम किक कर रहे हैं फुटबॉल को, ठीक है ना, तो हमारे पैर की मसल्स जो है उसको किक कर रही है, तो ये कहलाएगा मस्कुलर फोर्स. ठीक है, हम साइकिल चला रहे तो वहाँ पर भी हमारे पैर क्या कर रहे हैं, पैर की मसल्स जो है एक फोर्स अप्लाई कर रही है, तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ये कॉन्टैक्ट फोर्स है. अनदर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फोर्स दैट अपोज द मोशन. फोर्स जो क्या करता है, किसी मोशन का विरोध करता है, मोशन को नहीं होने देता है. मोशन मीन्स मोमेंट का, उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. और ये कब पैदा होता है? इट अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस. जब दो सरफेस के बीच, दो सरफेस एक के बीच, एक दो सरफेस होते हैं उनके बीच ये क्या होता है, ये फोर्स पैदा होता है. जैसे सपोज करो हम चल पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, हमारे पैर का जो सरफेस है वो और जिस जगह हम चल रहे हैं, सपोज करो रोड का सरफेस है, उन दोनों के कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, एक फोर्स पैदा होगा जो अपोज करेगा हमारा चलना. जब अपोज होगा, जब हम चल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, अगर वो अपोज नहीं करेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, सिर्फ फिसलते ही चले जाएंगे, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. जब वो अपोज करता है, एक फोर्स लगता है, तो हमारा पैर उठता है और हम दोबारे आगे चलते हैं. इसी तरीके से हम लिखते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, तो ये दो टाइप के फोर्स थे. कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप के फोर्स हो गए, एक तो हो गया मस्कुलर फोर्स एंड अदर इज फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टू सरफेस के बीच अराइज होता है और हमेशा क्या करता है, अपोज करता है मोशन का, मोमेंट का. ओके, नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जहाँ पर कोई दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब इस फोर्स में आता है सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स. देखिए मैग्नेट जो है बिना टच किए वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फोर्स ड्यू टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोन्स. इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से या किसी बॉडी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने ऐसा किया होगा कि हम कॉम को अपने क्या करते हैं, या स्केल को, आपने स्केल लिया है और स्केल को हम कई बार सिर पे रगड़ते और फिर क्या करते, उसको लेकर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ऊपर उसे ले जाते हैं और वो कागज को बिना टच किए अपनी तरफ खींच लेता है. तो क्या हुआ, जब हमने बालों से अपने को उस स्केल को क्या किया, रब किया, तो हमारे स्केल पे एक चार्ज आ गया और जैसे ही हम उसको क्या, उस चार्ज स्केल को पेपर्स के पास ले गए तो उसने पेपर्स के जो टुकड़े थे उनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया बिना कॉन्टैक्ट किए. तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है. थर्ड फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हर एक चीज अर्थ की तरफ गिरती है ना, तो यह है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इन दिस वीडियो वी लर्न व्हाट इज फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो इसको रीड कीजिए, बुक को रीड कीजिए. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.